स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे टॉपिक इज डिवाइजिबिलिटी। व्हाट इज डिवाइजिबिलिटी? अ नंबर इज सेड टू बी डिवाइजिबल बाय द नंबर्स दैट डिवाइड इट विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। जब हम डिवाइड करते हैं और उस नंबर्स को डिवाइड करने पर कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है, वो हमारी डिवाइजिबिलिटी है। 6, 3, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2, 3 जा 6, 3, 2 1 जा 2, 1, 2, 2 6 जा 12। इस नंबर की डिवाइजिबिलिटी क्या है? 2। 56 डिवाइडेड बाय 8, 8 7 जा 56, देयर इज नो रिमाइंडर। कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा? टू से नंबर कब डिवाइड होता है? जब नंबर इवन होता है। अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2 इफ इट इज इवन। देखते हैं, 64 इवन है, लास्ट डिजिट देखिए इवन, 2 से डिवाइड करेंगे, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम पूरा काट के देखते हैं, पूरा डिवाइड करें इसको, 2, 3 जा 6, 2, 2 जा 4। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 7, 3, 2, लास्ट डिजिट को डिवाइड करके देखते हैं, दिस इज इवन, तो पूरा नंबर इवन है, 7, 3, 2 इवन नंबर है, 1, 0, 6, 6 लास्ट डिजिट देखेंगे, ओके। इस तरह से हम किसी नंबर का पता कर सकते हैं ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। अब हम देखते हैं डिवाइजिबिलिटी बाय 3। अ नंबर is divisible by 3 if, क्या कंडीशन है? If the sum, यानी कि टोटल, sum of its digits is divisible by 3। यदि नंबर्स का हम टोटल करते हैं और वो टोटल 3 के टेबल में आता है या 3 से डिवाइड होता है, तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। नंबर देखिए, 1836 इज इक्वल टू 1 + 8 + 3 = 6, टोटल 18 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 जा 18, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। टू प्लस ज़ीरो प्लस टू प्लस टू इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3, 2, तो
तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हम 3 की डिवाइजिबिलिटी देखते हैं, ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।